हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी। दोस्तों, मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, ये जो चीज़ है इस पे बहुत लोग वीडियो बनाते हैं और उनको बहुत लोग देखते भी हैं। और मैं इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मैं इस तरह के टॉपिक को बहुत कम लेता हूँ। और अच्छी बात यह दोस्तों कि इस तरह के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। सो खैर, मैं इस तरह के टॉपिक कम ही लेता हूँ, लेकिन जो मेरा काम है आपको मेडिसिन हेल्थ केयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो मेरा चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसे टॉपिक पे बात करना भी बनता है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहते हैं और अपनी कोशिश रहती है कि लोगों को थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कोई ज़्यादा बोरियत नहीं है। इंटरेस्टिंग तरीके से एक मैंने बहुत अच्छी बात बताऊँगा और जो आपके काम आ सकती है। तो प्लीज़ से समझते हैं कि भाई मास्टरबेशन से आदमी पतला होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, जानते हैं इसके बारे में। सो शुरू करते हैं। दोस्तों, मास्टरबेशन की बात अगर की जाए तो देखो बहुत नॉर्मल है, हर व्यक्ति करता है और हर व्यक्ति इतना समझदार तो हो गया कि भाई ये कोई बुरी चीज नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग तो है कि भाई आपको इसको लेकर गिल्ट नहीं करना है, नॉर्मल है, कॉमनली आदमी बात करता है इसके बारे में, शर्माने वाली कोई बात नहीं है आज के समय में 2022 में तो कम से कम। लेकिन अपन जब स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो वहां पर अपन देखते हैं आसपास के लड़के लोग जो रहते हैं वो आपस में बात करते हैं कि कोई सूखा सा का लड़का आ रहा है, पतला है, तो उसको बोलते हैं ये बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करता है, बहुत ज्यादा हिलाता है, ऐसा लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो किसी भी सूखे सा के लड़के को देखकर जो अंडरवेट है तो उसको देखकर यही आदमी जजमेंट लगा लेता है कि भाई ये बंदा जो है मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करता है, या कोई व्यक्ति नॉर्मल कर रहा है तो ये बोलते हैं भाई आप पतले हो जाओगे, सूख जाओगे, शरीर आपका यूं हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है देखो। एक पहले मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं कि मास्टरबेशन जब आदमी करता है या नॉर्मल सेक्स भी करता है, फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करता है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी तो लगती है, एनर्जी लगती है, लेकिन इतनी नहीं लगती कि आपकी कैलोरीज बर्न हो जाए, आपका फैट बर्न हो जाए। ठीक है, ये नॉलेज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। ठीक है, कैलोरी बर्न होती है लेकिन इतनी नहीं होती है कि आपका फैट बर्न हो जाए, थोड़ी बहुत कैलोरीज लगती हैं। ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि भाई उसमें आदमी थक क्यों जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस प्रोसेस में आदमी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पीनियल ग्लैंड्स के अंदर, पीनियल मसल्स के अंदर, पीनियल आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आदमी का ब्लड प्रेशर तो हाई रहता ही है, इसलिए आदमी को और थकावट हो जाती है और एकदम से एनर्जी लगाता है तो आदमी थक जाता है। तो क्लियर करो इस चीज को कि इसमें आपकी कोई कैलोरी बर्न नहीं होती। हाँ, होती है, कम खपत होती है, जाहिर सी बात थोड़ी बहुत कैलोरीज यूज होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती है कोई। आप तो इस मेथड से, इस थॉट से अगर चला जाए तो कोई मोटा आदमी है उसको आप बोले भाई आप डेली हैंड प्रैक्टिस करो आप पतले हो जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, नहीं होता ना। तो जब कोई मोटा व्यक्ति हैंड प्रैक्टिस करके पतला नहीं हो सकता तो कोई भी व्यक्ति पतला नहीं होता है, इस चीज का आप हमेशा याद रखना। ठीक है, कैलोरीज जाती हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में जाती हैं, आदमी उसके बारे में सोचता है, टेंशन लेता है, फिर उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि मास्टरबेशन करने वाले कई तरह के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई उनको ऐसा बताया जाता है, लोग उनको ताना मारते हैं उनकी हेल्थ हाइट को देखकर, तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने, हो सकता है उनको जीवन में एक आध बार करा भी हो या करते भी हो, उनको लगता होगा कि जो मेरी हेल्थ है इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं क्योंकि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूं। और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं मास्टरबेशन को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोगों के मन में यूथ के अंदर जो डाउट्स है, गलत फहमी है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कई लोग ऐसे होते हैं, कर लेते हैं, सोचते हैं आज नहीं करेंगे, अब कल से नहीं करेंगे, ऐसा सोच सोच के लोग करते हैं, खूब करते हैं। ठीक है ना, कई लोग जो है नियम बना लेते हैं इतने दिन में। सो खैर, कई लोग ऐसे होते हैं करने के बाद जूस पी लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं करने के बाद कुछ खा पी लेते हैं, सोचते हैं बराबर हो गया। सो खैर, वो भी अलग चीज़ है। तो यहाँ पर पहली चीज कि आपकी बॉडी में से कैलोरीज तो जाती हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाती कि आप पतले हो जाओगे। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी पतले हैं तो उनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं, उनके
बॉडी वेट को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मास्टरबेशन नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई मास्टरबेशन किस चीज़ को अफेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसी बात है, कुछ तो अफेक्ट होता होगा। देखो ये नेचुरल चीज़ है, सेक्स करना कोई अलग चीज़ नहीं है, प्रकृति ने दी है, लोग करता है, आदमी मरते दम तक सेक्स कर सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, मास्टरबेशन में सिर्फ कमी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ नेचुरल नहीं है, वो आप मैनुअली कर रहे हैं, उसमें आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं और उसमें क्या होता है, ग्रिप जो होती है, हैंड की ग्रिप उल्टी सीधी हो सकती है, तो आपकी जो पीनियल मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं, आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, लिंग का टेढ़ापन आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा मास्टरबेशन करने से, पहली चीज़। दूसरा है, प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है कि भाई आप जब जब करते हैं तो आपको मन में गिल्ट होता है, तो आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाता है, फिर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये है कि दोस्तों मास्टरबेशन आदमी कभी भी कर सकता है, ठीक है ना, फीमेल के साथ, पार्टनर के साथ, उसको एक बाउंडेशन रहती है, वो कुछ लिमिटेड समय में ही कर सकता है, नाइट में वगैरह, लेकिन मास्टरबेशन वो कभी भी कर सकता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे उसके काम पर असर पड़ता है। और एक और चीज़ दोस्तों कि उसकी मेमोरी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है, इतनी भी नहीं होती कि आदमी बिल्कुल भूल जाए, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि उसकी कम याददाश्त चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ उसका माइंड फ्रेश नहीं रह पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको जब भी सेक्स करेंगे आप उसके बाद सोएंगे, लेकिन आप जब दिन में करेंगे तो सोएंगे नहीं, आप काम करेंगे, तो काम नहीं हो पाता है। एक और चीज़ दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, कि देखो मास्टरबेशन से कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब हाथ से आप सेक्स करते हैं तो क्या होता है, आपको हाथ की आदत पड़ जाती है, आपका ब्रेन हाथ के लिए ट्रेंड हो जाता है, लेकिन जब फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करेंगे शादी के बाद, तो आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है, तो फिर आपका एजुकुलेशन जल्दी हो जाएगा, आपका वीर्य जल्दी निकल जाएगा, ये समस्या कई लोगों को फेस करना भी पड़ती है, क्योंकि आपके ब्रेन हाथ के लिए ट्रेंड हुआ है, उसको पता है कितनी देर में उसको एजुकुलेशन करना है, तो एक समस्या ये आ सकती है, अगर आप ज़्यादा हस्त मैथुन करेंगे तो शादी के बाद सेक्स को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आपको शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे तो आपको शीघ्र पतन नहीं होगा, लेकिन हाँ मास्टरबेशन करोगे तो ज़रूर से होगा। तो ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पर क्लियर क्या हो गया, अपन ने क्या समझा कि भाई आप हस्त मैथुन कर सकते हैं, कम करें, सोचें ना एक ऐसे टाइम पर करें कि आप उसके बाद कोई काम ना करें, सो जाएं, और दूसरी बात कोई पतला नहीं होता है, ठीक है, पतला नहीं होता है, और दूसरी बात ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और वीडियो में अभी तक यहाँ पर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं हेल्थ टिप्स, मेडिकल दवाइयाँ, मेडिसिन, एलोपैथिक ड्रग्स, डिजीज ट्रीटमेंट, बीमारियों का डायग्नोसिस, ये सब अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।